नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। गाली गलौज और अभद्र भाषा पर उतरे नेता, लोकसभा चुनाव 2019 राजनीति में अभद्र भाषा के लिए याद किया जाएगा। सोमवार को चुनाव आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए चार नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें बसपा प्रमुख मायावती, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वरिष्ठ भाजपा नेता मेनका गांधी है। इनके अलावा सोमवार को हिमाचल भाजपा के चीफ सतपाल सिंह सत्ती और बसपा नेता गुड्डू पंडित के अभद्र भाषण का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ है। कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर फिर शुरू हुई कमायद। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन को लेकर मामला अब तक उलझा हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया के करीबी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस के गठबंधन के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने मुझे बातचीत के लिए अधिकृत किया है। ऐसे में कांग्रेस को बताना है कि उनकी तरफ कौन से अधिकारी बातचीत करेंगे। हरियाणा में शुरू हुई चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया। हरियाणा में लोकसभा चुनावों की विसात बीत चुकी है। राज्य में आज से नामांकन का दौर शुरू होगा। 23 अप्रैल तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे। मुख्य सियासी दलों में भाजपा जहां सभी 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और बसपा गठबंधन भी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुका है, जबकि इनेलो और जेजेपी आम गठबंधन 1-2 दिन में प्रत्याशी घोषित कर देंगे। 15 खिलाड़ियों के अलावा ये 4 खिलाड़ी भी टीम के साथ जाएंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड में खेले जाने वाले विश्व कप 2019 के लिए 15 संसदीय भारतीय टीम की घोषणा की जा चुकी है। इन 15 खिलाड़ियों के अलावा 4 पेसर भी भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड जाएंगे। खलील अहमद, आवेश खान, दीपक चाहर और नवदीप सैनी को नेट अभ्यास कराने के लिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। ये खिलाड़ी विश्व कप की तैयारियों में भारतीय टीम की सहायता करें। टिकटॉक को भारत में राहत मिलती हुई नहीं दिखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंपनी उभरी भी नहीं थी कि एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि भारत सरकार ने गूगल और एप्पल से इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहा है। सरकार ने दोनों कंपनियों को साफ कहा है अपने प्लेटफॉर्म से इस एप्लीकेशन को हटा ले। सोमवार को ही कंपनी मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसमें टिकटॉक पर बैन लगाने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाने से साफ मना कर दिया। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।